प्रियंका को पड़ी थी मार। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आरती तोमर स्वागत करती हूँ वीके न्यूज में। हर किसी के बचपन का एक ऐसा मजेदार किस्सा होता है या कहानी होती है जिसे हम बड़े होने के बाद भी याद कर हंसते हैं। बचपन के कई वाक्य, यादें और कहानियां वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बार बार याद कर हंसते हैं। ऐसा ही एक वाक्य जब बॉलीवुड की देसी गर्ल ने सबके सामने रखा तो लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। पीसी ने ये किस्सा कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के शो के दौरान अपने फैंस के साथ शेयर किया था। पीसी ने बताया, जब वे थर्ड क्लास में थी तो उनके स्कूल के बाहर एक पेड़ था जिस पर खूब सारे बंदर रहा करते थे। एक दिन जब वो स्कूल से बाहर निकल रही थी तो उस वक्त उनकी नज़र उस पेड़ पर पड़ी जिस पर एक बंदर बैठा खुद को साफ कर रहा था, जिसे देखकर पिगी चॉप जोर जोर से हंसने लगी। जिसे देख उस बंदर को गुस्सा आ गया और उसने पीसी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस किस्से को सुनाने के बाद शो में मौजूद हर एक व्यक्ति हंसने लगा था। प्रियंका ने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपने एक्टिंग के दम पर एक नया मुकाम कायम किया है। बॉलीवुड की देसी गर्ल का नाम आज दुनिया के टॉप एक्ट्रेस में गिना जाता है। प्रियंका आए दिन अपने बोल्ड फोटोज या फिर उनकी ड्रेस के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। प्रियंका अब ज्यादातर अपने पति निक के साथ बाहर ही रहती हैं। प्रियंका के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे जल्द ही बॉलीवुड में कमबैक करने वाली हैं। आपको बता दें, पीसी फिल्म द स्काई इज पिंक से बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ फरहान अख्तर लीड रोल में नजर आएंगे। अगर इस वीडियो को देखकर आपको भी अपने बचपन का कोई किस्सा याद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।